पांचपावली पुलिस ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजीव मैथी के मार्गदर्शन में अपराधियों की नियमित जांच का अभियान जारी रखा है और इसी अभियान के तहत शहर के ठक्कर ग्राम इलाके में शातिर अपराधी शशांक समुद्रे के घर से तलाशी लेने पर पुलिस को 10 तलवारों के अलावा एक पिस्टल मिली है, जिसके बाद पुलिस ने सभी हथियारों को बरामद कर दो आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पांचपावली पुलिस ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंढे के मार्गदर्शन में अपराधियों के नियमित जांच का अभियान जारी रखा है और इसी अभियान के तहत रविवार को पीएसआई जय महाई अवलदार विजय यादव अपनी टीम के साथ ठक्कर ग्राम इलाके में शातिर अपराधी शशांक समुद्रे के घर पहुंचे। शशांक के घर की तलाशी लेने पर पुलिस की आंखें चौंधिया गई। दरअसल वहां से पुलिस को 10 तलवारों के अलावा एक पिस्टल बरामद हुई है। पिस्टल के कारतूस भी बरामद किए जाने की जानकारी है। आपको बता दें कि विजय हजारे और शशांक समुद्रे ये दोनों ही शातिर अपराधी हैं। शशांक के खिलाफ पांचपावली थाने में भी कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा विजय हजारे भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एमपीडीए के तहत भी उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कुछ दिनों पूर्व ही वह जेल से छूटकर बाहर आया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पिछले दिनों आदेश दिए थे कि इन शातिर अपराधियों पर लगातार नजर रखी जाए। इसी क्रम में आरोपियों के घर पुलिस ने दबिश देकर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। कल रात्री पांचपावली पुलिस स्टेशन मध्ये पांचपावली पुलिस स्टेशनचे सीनियर पीआय मिंडे साहेब आणि त्यांच्या टीम ने रेकॉर्ड वरील आरोपी शशांक समुद्रे आणि अभय हजारे यांच्या ताब्यामधून प्राणघातक शस्त्र जप्त केली आहेत। त्यात प्रामुख्याने दोन पिस्टल, 7 काडतुसे, 7 तलवार, कोयता चाकू अशा प्रकारची प्राणघातक शस्त्र त्यांनी जप्त केलेले आहेत। दोघेही आरोपी हे रेकॉर्ड वरील आहेत। त्यांच्यावर यापूर्वी गंभीर गुन्हे दाखल आहेत आणि एमपीडीएसारखेही त्याच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे। त्यांची इंट्रॉगेशन पोलीस स्टेशनच्या टीमतर्फे चालू आहे आणि इतर कोणी त्यांना शस्त्र सप्लाय केले आहेत त्याही आरोपींची माहिती काढून त्यांचा शोध घेतला जात आहे। पुलिस स्टेशन पांचपावली में कल अपराध क्रमांक 1298/22 कलम 3425 भारतीय हथियार कायदा रेड विथ 135 महाराष्ट्र पुलिस कायदा के तहत एक गुनाह रजिस्टर किया गया है। इसमें दो आरोपी है, जिसमें एक का नाम शशांक सुनील समुद्रे और अभय हजारे। ये दोनों अपराधी पुलिस के रिकॉर्ड पर के आरोपी है। उन्होंने दोनों के खिलाफ बॉडी ऑफेंस रजिस्टर्ड है। हमको ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि ये दोनों आरोपियों ने पिस्टल और बाकी बहुत सारे जानलेवा हथियार अपने घर में छिपा के रखे हैं। उस बात को हमने कल मेरी डीबी टीम के पीएसआई अविनाश जायभाई और बीट नंबर 3 के प्रमुख विक्रांत थारगर और उनका पूरा स्टाफ, डीबी का पूरा स्टाफ, इन्होंने कॉमन ऑपरेशन वर्कआउट किया, जिसमें हमारे सेकंड पीआई भी इन्वॉल्व थे, रवि नागो से ये भी इन्वॉल्व थे। कॉमन ऑपरेशन वर्कआउट किया और आरपीओ के घर से हमने टोटल एक पिस्टल और बाद में 7 जानलेवा तलवारें थी, काफ़ी धारदार है वो हथियार, और एक कोयता है और 2 चाइनामेट चाकू हैं, और पिस्टल के साथ में 8 कारतूस भी हमने बरामद किए हैं आरोपियों से। जब आरोपी शशांक समुद्र इससे पूछा गया कि ये जो पिस्टल है आपने कहाँ से लाया है, तो उसने कहा कि अभय हजारे ने उसको लाकर दिया है। उसकी जानकारी से हमने अभय हजारे इसको भी हिरासत में लिया है। उसके पास से भी एक मौजर हमने सीज किया है। अब इन्होंने ये इतना सारा जो असला था वो किस मंशा से लाया था, एग्जैक्टली इनका प्लानिंग क्या था, किसको मारना था, और ये सारा हथियार जो है वो जमा करने के लिए इनको किन किन लोगों ने मदद की थी, ऐसा सारा इन्वेस्टिगेशन हम आज आरोपियों को माननीय न्यायालय में हाजिर करेंगे और उनका पीसीआर लेकर तहकीकात करेंगे। हाँ, हमको जानकारी तो आई थी कि 2 दिन पहले बारसेनगर पुलिया के नीचे झगड़ा हो गया था और वहाँ पे किसी ने किसी को पिस्टल जैसा कोई हथियार बताया था, ऐसा हमको जानकारी मिली थी। हमारी डीबी टीम तत्काल वहाँ पहुँची थी, लेकिन कोई हमको वहाँ मिला नहीं था। लेकिन फिर भी अगर पिस्टल मिला, दिखाया गया है, ऐसी जानकारी थी, तो हमने काफ़ी सीरियसली उस बात को लिया था और उसी बात को वर्कआउट करके जो हमारे खुफिया जानकार हैं, जो हमको खुफिया माहिती देते हैं, तो उनके साथ मिलके वर्कआउट करके हमने आरोपियों से ये बरामद किया है।
उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन में पता करेंगे एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ था और किसको हथियार बताया था। मेरा ऐसा आह्वान है, अगर पाचपौली एरिया में कोई भी इन दो जो अपराधी जो पकड़े गए शशांक समुद्रे और अभय हजारे, इन्होंने अगर किसी को पिस्टल बताकर या कोई हथियार बताकर धमकाया है या फिर कुछ उनको उनसे पैसा वगैरह छीना छपटी की है, तो कृपया पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट दर्ज करें, हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस ने सभी हथियार जब्त किए हैं और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 2 पिस्टल व 10 तलवारें जब्त कर जांच शुरू कर दी है। एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।